तो मैं अभी अमृतदास सिंह जी को बुलाती हूँ, क्योंकि उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की है, पैदल परिक्रमा की है, और हमारे बहनों को गांव गांव में मिली है, और जो कोई राज मित्री के रूप में आज नहीं है, वो नर्मदा संरक्षण न्यास की न्यासी के रूप में और एक वरिष्ठ पत्रकार रही है, जिनको आप पहले भी जानते थे एक प्रकार से, लेकिन आज वो नर्मदा भक्त बन करके आप कहिए महिला शक्ति आई है। धन्यवाद मेघा जी, धन्यवाद साथियों और यहाँ उपस्थित बड़वानी की जनता। नदियों की समस्या, नदी को लेकर आपके जीवन का आधार और नदी की जो इनको लेकर जो संघर्ष है, उस पर आप लोगों ने लगभग 3 घंटे से विभिन्न इलाकों से आए लोगों की बातें सुनी। कोई गंगा की बात कर रहा है, कोई यमुना की बात कर रहा है, कोई गोदावरी की बात कर रहा है, कोई ताप्ती की बात कर रहा है, कोई तीस्ता की बात कर रहा है। हर नदी की लगभग एक ही कहानी है, हर नदी घाटी पे कोई ना कोई सामाजिक समस्या है, जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष की कहानियाँ आपने पिछले 3-4 घंटे में सबसे सुनी और समझी। आपकी जो आपका जो संघर्ष है, वो केवल अकेला आपका संघर्ष नहीं है, अलग अलग नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का संघर्ष लगभग इसी तरह का है। सब जगह नदियों के साथ एक तरह का छल हो रहा है, सभी जगह नदी घाटी के जीवन, उसकी संस्कृति, उसके विकास के में आने वाली बाधाएं अलग अलग रूप में खड़ी हैं, लेकिन लगभग मानव जाति का जो संघर्ष है वो एक समान देखने को मिल रहा है। तो मैं इतनी देर से आप लोगों की बातें सुनते सुनते एक बात के निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, और वह निष्कर्ष ये है कि नर्मदा के आंदोलन के जरिए मेधा जी और आप सब लोगों ने नदी को एक राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया, और यह एक बहुत बड़ी आप लोगों की जीत है। और मेधा जी को बहुत बहुत बधाई कि मैं कल से जब से उनको देख रही हूँ तब से उनकी ऊर्जा में 1% की भी कमी नहीं आई है। वो लगातार उतनी ही ऊर्जा से लगी हुई है। हम लोग संजय मालिक जी से यही बात कर रहे थे कि कितनी ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है, मुझे लगता है आप लोगों से मिलती है और नर्मदा जी की शक्ति भी उनके साथ है। तो इसी ऊर्जा के साथ और इसी ताकत के साथ आप लोग लगातार अपनी बात को सत्ता और सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, वर्षों से रखते आ रहे हैं, और बहुत सारी जीत भी हासिल की है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी जीत में सफल नहीं हुए, बहुत हद तक सफल हुए हैं। हो सकता है कि ये जीत अधूरी है, लेकिन इसी तरह से अगर आप पूरी दृढ़ता और पूरे कन्विक्शन के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों की जीत होगी। और आज जो ये नदी विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह एक अनोखा विधेयक भी आप लोगों की ही पहल पर सफल होगा, और न सिर्फ नर्मदा घाटी बल्कि पूरे देश के लोगों को नदियों से जुड़े जो संघर्ष हैं उसमें कामयाबी मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा पर्यावरणीय पहल होगी, जिसके जरिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्यावरण के मुद्दे, इंसान के जीवित रहने, उसकी जिंदगी चलाने के मुद्दे भी सॉल्व होंगे इस नदी विधेयक के जरिए। तो ये नदी विधेयक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस नदी विधेयक के जरिए न सिर्फ हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, केवल जीवित नदी या नदी की पवित्रता की बात नहीं है, इसमें हमारे आपके अस्तित्व, हमारा आपका होना भी शामिल है। मतलब हम जो जिंदा हैं, हम जो सांस लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो अपने जीने के लिए कुछ खाते हैं, कुछ अन्न उगाते हैं, खाते हैं और अपने अपने होने को सार्थक बनाते रहते हैं, वो सब कुछ नदी के आसपास ही विकसित होता है, हमारी संस्कृति।
हमारा समाज, हमारा इतिहास, हमारा होना नदी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए नदी कोई एक अलग सी कोई एंटिटी के रूप में मैं नहीं देखती हूँ, वो हमारे होने का होने की गारंटी है, हमारे मनुष्यता की गारंटी है। हम मनुष्य उन्हीं नदियों के किनारे रहते हुए आगे बढ़े, अपनी संस्कृति और समाज को विकसित किए और उसी समाज से सत्ता बनी। सत्ता कोई अलग से बड़ी हुई कोई चीज नहीं। अभी राजकुमार सिन्हा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि आज जरूरत इस बात की है कि ये जो नदियों को लेकर हमारी चिंता है, उस चिंता को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाया जाए। और ये नदी विधेयक निश्चित तौर पर नदियों से जुड़ी जितनी भी चिंताएं और संघर्ष, उसको राजनीतिक विमर्श के केंद्र पर ले आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जब तक ये राजनीतिक विमर्श के केंद्र में नहीं आएगा, तब तक आपकी लड़ाई पूरी तरह से सफल होने में संघर्ष होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है कि आप लोगों ने एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर इस विधेयक को बनाया है। विधेयक में नदी का सिर्फ होना नहीं, नदी का संरक्षण, पर्यावरण का संतुलन, वनों को बचाना, वन के आसपास और नदी के आसपास के जीवन को कैसे चलाना है, प्रति व्यक्ति कितनी पानी की जरूरत है, अन्न उगाने के लिए किसानी के लिए कितने पानी की जरूरत है, छोटे उद्योगों को कितने पानी की जरूरत है, और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को कैसे स्वच्छ और निर्मल रखना है, सब चीजों का जिक्र किया गया है, चिंता है। इस विधेयक में बस एक चीज मुझे नहीं देखने को मिला कि इसका बजट क्या होगा। मुझे लगता है इस पे एक और बहस करने की जरूरत है, और शायद पार्लियामेंट में जब बहस होगी तो सबसे ज्यादा बड़ी चिंता यही होगी कि इतने बड़े पूरी प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। हमें उम्मीद है कि बड़े बांधों से बजट कम होगा। और एक आज यहाँ पर मैं घोषणा करना चाहती हूँ, जब बांधों की बात आई है तो राजकुमार सिन्हा जी ने एक पेपर आप लोग को दिया था, नर्मदा घाटी के जो बांधों का प्रभाव है, जो बांध बनाए गए हैं, लगभग 30 बांधों का प्रस्ताव किया गया था और उसमें से 10 बांध बन चुके हैं, 6 बांध निर्माण चल रहे हैं और बाकियों का भी प्रस्ताव है। तो इन बांधों के बनने के बाद जो सामाजिक आर्थिक एक संतुलन या असंतुलन की स्थिति है, उसका आकलन अभी तक सामने नहीं आया है। तो मैं चाहती हूँ, मैं आज इस मंच से घोषणा करना चाहती हूँ कि हमारे माँ नर्मदा संरक्षण न्यास की तरफ से मैं नर्मदा के ऊपर बने बांधों के सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए अपनी पहल को आगे बढ़ाऊंगी, अपने ट्रस्ट की तरफ से, और इन बांधों से समाज और उसके आर्थिक और पर्यावरण को क्या प्रभाव पड़ा है, उसका एक अध्ययन किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि 40वें साल के अध्ययन को हम आप लोगों के सामने रखेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि जब ये विधेयक पे बहस होगी तो इस बात पे भी बहस होगी कि जो बांध बनाए गए हैं उसका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये बताने के लिए जरूरी है कि इसका एक अध्ययन हो, और उस अध्ययन की जिम्मेदारी मैं अपने ट्रस्ट की तरफ से लेती हूँ। मैं आज इसकी घोषणा करती हूँ। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मेघा जी ने आप बहुत सारे लोगों को, जो बड़वानी या जहाँ से दूर बैठे हैं, वो समझते हैं कि नर्मदा आंदोलन जो मेघा जी द्वारा शुरू किया गया था वो अब अपने मुकाम पे पहुँच गया है और अब खत्म हो गया है। मैं इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रही थी मेघा जी के बारे में और ये जानकारी मिल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि अधूरी जानकारी है। तो आज से उस इंटरनेट में ये जानकारी जरूर जोड़ने की जरूरत है कि मेघा जी की लड़ाई अभी जारी है और पूरे देश की नदियों को बचाने और नदी के
ओझा जी का योगदान है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई सत्ता, कोई भी नेता अपने आप में कोई अकेला अस्तित्व नहीं होता है, वो जनता के वोट से जीतकर जनता की भावनाओं की और जनता की जरूरतों की रक्षा करने के लिए किसी सीट पर या किसी कुर्सी पर बैठता है। तो आप लोग अगर अपनी अपनी जरूरतों को लेकर जागरूक होंगे, अपने मुद्दों को लेकर सजग होंगे और हमेशा अपने संघर्ष को राजनीतिक विमर्श में सर्वोच्च स्थान पर रखेंगे, तो कोई भी सत्ता आए, कोई भी सरकार आए, वो आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होगी। आज जरूरत इसी बात की है कि मेधावी जैसी नेत्रियां और नेता हर इलाके में सक्रिय हों, ताकि लोगों को जागरूक कर सकें कि उनके अधिकार क्या हैं और उन अधिकारों के लिए लड़ना कैसे है। जब तक आप एकजुट होकर लड़ेंगे नहीं, तब तक सत्ता आपकी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं होगी। मेधा जी ने करके दिखाया कि कैसे सत्ता को झुकाकर अपनी बात मनवाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप लोग अपने अपने इलाकों में और ज्यादा सक्रियता के साथ सरकार से अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे। ये बिल न सिर्फ नर्मदा बल्कि नर्मदा जैसी देश की असंख्य नदियों के भविष्य और उसके आसपास रहने वाले समाज के खुशहाली के लिए काम करेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बिल के लिए और आप सबके भविष्य के लिए। बहुत धन्यवाद नर्मदा जी। और आप जानती हैं कि यहाँ सभी सभी का योगदान है, तो कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि हर चीज का संघर्ष चला है। हमारे जो भी संघर्ष आज तक हुए हैं उसमें हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो यहाँ सामने नहीं आ रहे, चेतन भाई बैठे हैं, नतिका भाई कहीं आती होगी, और हमारे सभी जीवन शाला के शिक्षक हैं तो ये बहुत कार्य करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के पूरे राहुल भाई, राजा भाई, मुकेश भाई, कमल दीदी, केसर भाभी, कैलाश भाई, सब सब कार्यकर्ताओं का समूह है, और हर गांव के प्रतिनिधि और हमारी कार्यकारिणी जिन्होंने आज लोगों को हजारों की संख्या में एकत्रित किया था लेकिन बारिश ने उनको रोक दिया है। और आपने बहुत बड़ी बात कही है, हम लोग दलीय राजनीति में नहीं है लेकिन हम उसको अछूत भी नहीं मानते। हम चाहते हैं कि अनिल भाई जैसे जो सांसद हैं, जो सही जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो हम लोग निश्चित ही साथ दे देंगे और वो हमारी साथ देंगे। वैसे ही आपसे ही हम अपेक्षा करते हैं, ये राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बनना है तो आप किसी एक पार्टी को बताइए या पार्टी के अलायंस को बताइए, उसका नाम इंडिया हो, भारत हो, जो भी हो, पर वो देशी अलायंस है। और अगर वो जाति धर्म के पास अस्मिता के नहीं अस्तित्व के मुद्दे पर लड़ने वाली राजनीति है तो उसको भी अपना एजेंडा जो बनाना है, भविष्य का कार्यक्रम जो बनाना है, मैनिफेस्टो जो बनाना है, घोषणा पत्र, उसमें ये कानून का, ये नदी बचाने का, प्रकृति बचाने का मुद्दा जो है वो जरूर सम्मिलित हो जाए। मंजूर है सबको तो हम ये काम तो अमृता सिंह जी पर ही छोड़ देते हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत महत्व की बात कही है कि हम एक रिव्यू करना चाहते हैं, तो हमने इस कानून में भी ये डाला है कि हर नदी पर जो नदी सुरक्षा समिति बनेगी वो उस नदी का जायजा ले लेगी, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक सभी प्रकार के, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या होना था, क्या हुआ, क्या होया, क्या पाया, इसकी जांच करेगी। और ऑडिटर की रिपोर्ट भी बताती है कि सरदार सरोवर क्या बोलते हैं आप, लॉस में गया है, खोट आई, बहुत सारी बातें अभी इस स्थान के बारे में उजागर हुई है, तो हमारे पास बहुत सारी जानकारी है। तो अमृता सिंह जी, आप अगर नर्मदा का ये मुद्दा लेती हैं, नर्मदा संरक्षण न्यास की ये क्षमता है,